गॉड। ये कोई विचार नहीं, ये कोई शिक्षा नहीं, पर विश्वास है। What shall I do? Where shall I go? कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। Who will set me free? What is my future? जो चीज वो बनाता है, जो कल्पनाएं उसने मेरे और आपके लिए करी है, वो सबसे उत्तम है। I am lost. मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। And failure is not an option. Let God make your tomorrow. विश्वास केवल विश्वास पर। Jesus is the hope. A new beginning. Do not fear, but have faith. God owns tomorrow. प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जो कार्य इस पृथ्वी पर करते थे, ठीक वैसे ही कार्य, ठीक वैसे ही आश्चर्यकर्म, बल्कि उससे बढ़कर आज भी करने की सामर्थ रखते हैं। The Book of Psalms, chapter 72, verse 18 says, I will bless you, O Lord, cause you alone do unbelievable things. दाऊद अपने भजन 72 में उसके 18वें पद में कहने लगा, परमेश्वर तेरा नाम धन्य है, तू सदा के लिए धन्य है, क्योंकि आश्चर्य कर्म केवल तू ही करता है। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को ढूंढ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन आश्चर्य कर्मों से भर जाए, तो प्रभु यीशु के पास आइए, उस पर विश्वास करिए, और वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ आज भी रखता है। गॉड के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ, और पूरी टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना मांगता हूँ कि आप इन एपिसोड्स को देख रहे हैं, और ना केवल देख रहे हैं पर मेरा विश्वास है कि आशीष भी पा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में खुदा के सेवक जिनका नाम पास्टर ज्ञानेंद्र त्यागी है, हमारे बीच में है, और इसलिए है ताकि हमें अपने जीवन के बारे में बता सकें, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन को थामा और कैसे इनका जीवन बदला, और इस कदर कैसे बदला कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे। आइए जानें, और याद रखिएगा, खुदा है जो आपके कल को संवारेगा, और खुदा ही है जो आपके कल का हकदार है। गॉड ओन्स टुमारो। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ज्ञानेंद्र त्यागी है, मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम श्री सुंदरलाल त्यागी है, और हमारे 7 भाई हैं और 3 बहनें हैं। एक बड़ा परिवार है हमारा, और हम सब आपस में बहुत घुल मिल कर रहते थे। और आज से करीब 10 साल पुरानी बात है कि मैं जब कॉलेज में था, कॉलेज लाइफ थी, जैसे आज की ज़िंदगी में, आज की दुनिया में हर किसी के पास, हर किसी को चाहिए होता है कि उसके पास एक दोस्त हो, एक फ्रेंड हो, जिसके साथ वो अपनी सारी बातों को बांट सके। वैसे ही आज से 10 साल पहले मेरे पास भी एक दोस्त था, एक गर्लफ्रेंड थी हमारी, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे। पर अगर दुनियावी रीति में, अगर दुनिया में अगर आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो शायद ये सही है, पर अगर खुदा के साथ आप चल रहे हैं तो ये बात सही नहीं है। और एक रात में मैं अपने घर पर बैठा था, और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, और मेरे पापा आए, मैं रो रहा था, बैठा बैठा पापा आए, और पापा पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने बताया मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और पापा इस बात पर गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, और कहने लगे, तुम शाम को बता सकते थे कि तुम्हारी दवाई आ सकती, अब तो सब दुकानें बंद हैं, अब कैसे तुम्हारी दवाई आएगी। और पापा ने गुस्सा होकर कहा कि तुम्हें जो समझ में आए वो करो। मैं बहुत परेशान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और मेरे घर में बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई थी। मैं उठा रात में, और मैंने सारी दवाइयाँ, कम से कम 120 टेबलेट थी, मैंने सारी दवाइयाँ निकाल ली, और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं एक टेबलेट खाने में मुझे एक गिलास पानी लगता था, और उस रात में मैंने 120 टेबलेट सिर्फ एक घूंट पानी में पी ली। और मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया, सो गया। सुबह जब उठा, मेरी आँख खुली, तो मैं लेट कर अपना प्लान कर रहा था कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही मैंने बिस्तर से एक कदम नीचे रखा, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे 15 दिन तक बिल्कुल होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। और मैं बताना मांगता हूँ कि 6-7 साल पापा, मम्मी, घर के सभी लोग मुझे ले जाकर बहुत इलाज कराया, जहाँ जो बताता पापा से कि वहाँ से ठीक हो सकता है, वहाँ से ठीक हो सकता है, वहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो, वहाँ से ठीक हो सकता है। पापा ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ मुझे लेकर नहीं गए हों। हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर जहाँ उन्हें लोगों ने बताया कि वहाँ से ठीक हो सकता है, मेरे पापा मुझे लेकर गए। पर एक समय ऐसा आ गया कि घर में खाने के लाले पड़ गए।
हम सुबह खाते थे तो हमें शाम का ठिकाना नहीं होता था कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो डॉक्टर मुझे देर तक देखता, जो डॉक्टर मेरे लिए ढेर सारी दवाइयां लगता लिखता, मुझे लगता था वो डॉक्टर मुझे अच्छा कर देगा। पर मैं बताना मांगता हूँ कि मेरी परिस्थिति, मेरी हालत, मेरे शरीर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। मेरा चेहरा खराब हो गया, मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मेरे बच्चे मुझे देखकर डरते थे, मुश्किल होता था मेरे लिए। पापा डॉक्टर के लिए लेकर जाते, पर लास्ट में एक डॉक्टर ने पापा को बताया कि इन्हें लेप्रोसी हो गया, इन्हें कोढ़ हो गया है। उस समय मैं बहुत टूट गया और मैंने आज तक किसी कोढ़ के रोगी को ठीक होते हुए नहीं देखा। पापा को किसी दोस्त ने पापा के बताया कि इसे उस हॉस्पिटल में, उस अनाथ आश्रम में लेकर जाओ और वहां से ठीक हो जाएगा, वहां पर रखते हैं। और वहां पर जब पापा मुझे लेकर गए तो काफी देर तक हम लोग गेट के बाहर बैठे रहे, कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था, बहुत परेशान थे। शाम होने लगी थी, तभी एक भैया साइकिल से आए और उन्होंने पापा से कहा कि मैं आपके बच्चे को लेकर जा रहा हूँ और मैं अंदर दिखा कर लाता हूँ इसे। जब वो मुझे अंदर लेकर गए तो वहां पर मुझे एक प्लेट और ग्लास दे दिया और कहने लगे आप खाना खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपने पापा से मिलाऊं, क्योंकि हॉस्पिटल जहां पर बना हुआ था वो गेट से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर था। और मैंने कहा कि मैं जाकर अपने पापा से मिलाऊं, मैं अपने पापा को बता दूं, फिर मैं खाना खाऊंगा। वो कहने लगे नहीं नहीं पहले तुम खाना खा लो, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर मैंने कहा कि मैं जाकर अपने पापा को बता कर आऊंगा। मैं बहुत धीरे धीरे चला करता था, ऐसे हाथ थे मेरे, नीचे नहीं कर पाता था हाथ, उंगलियां, ये उंगलियां जो आप देख रहे हैं वो इस तरह की थी। मैं गया अपने पापा के पास और गेट पर जब मैं पहुंचा, मैं गेट पर देख रहा था पर पापा वहां पर नहीं थे, वो मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत टूट गया, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं गेट से झांक रहा था, मुझे लग रहा था शायद पापा भी आएंगे, शायद पापा मेरे लिए कुछ लेने गए। वहीं पर खड़ा था मैं, काफी देर तक देखता रहा। जब रात होने लगी तो वो कहने लगे अब तुम जाओ अंदर और अब कोई नहीं आएगा तुम्हें लेने के लिए। मैं बहुत परेशान था कि वहां पर कैसे अपने जीवन को मैं बिताऊंगा। मैं उस रात सोया नहीं, बेड पर बैठा रहा, सिर्फ लोगों को देख रहा था। मैं सोच रहा था कि सब यहाँ पर इतने साल से हैं, इनकी इतनी उम्र हो गई है। जब मैंने उनसे बात करी तो कोई बताने लगा, जब हम आए थे तो हमारी उम्र 20 साल की थी, कोई बताता मैं 25 साल का था, कोई 30 साल का था, और जिस समय मैं वहां पर था उस समय उनकी उम्र कोई 70 का था और कोई 75 का था। मुझे लगने लगा कि जब ये आज तक ठीक होकर यहाँ से नहीं गए तो मैं कैसे ठीक होकर जाऊंगा। मैं बहुत परेशान था, मैं उस रात सोया नहीं, मैं हर रोज सुबह उठकर हॉस्पिटल के सीढ़ियों पर बैठा रहता था और देखता रहता था कि शायद कोई आएगा जो मुझे लेकर जाएगा, मेरे घर से कोई आएगा, कोई मुझे लेकर जाएगा, पर कोई नहीं आया। करीब एक हफ्ते के बाद मेरा छोटा भाई आया मुझे देखने के लिए और मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। तो हॉस्पिटल में कुछ लोग खाना वाना बांटने के लिए आते रहते हैं, वैसे ही कोई आया था और उसने बिस्किट के पैकेट बांटे थे। हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, हम लोगों ने उस बिस्किट के पैकेट को वहां से उठाया और बाहर निकले हम लोग चुपके से बहाना बनाकर, और हमने बिस्किट के पैकेट को मार्केट में बेच दिया और उस पैसे से हम लोग किराया करके, कन्विंस करके हम लोग घर पहुंचे। और जब घर पहुंचे तो पापा हमें देखकर गुस्सा करने लगे, कहने लगे हम तुम्हें वहां पर छोड़ कर आए थे ताकि तुम ठीक हो जाओ और तुम यहाँ पर भाग आए हो, हमारे पास अब पैसे नहीं कि हम तुम्हारा इलाज करा सके। मैंने पापा को बताया, पापा वहां पर से तो कोई ठीक होकर नहीं आया, वहां पर जो 20 साल की उम्र में आए थे आज उनकी 75 साल उम्र है, वो अब तक ठीक होकर नहीं गए तो हम कैसे ठीक होंगे। पापा कहने लगे बेटा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करा सकूं। मैं बहुत टूट गया, मैं परेशान था, मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि मैं ठीक हो सकता हूं। जो हमारे दोस्त थे वो भी सब छोड़कर चले गए, मैं अकेला हो गया, परेशान था। पर एक दिन संडे की सुबह में मैं घर से बाहर निकल गया और एक भैया मुझे मिले, वो कहने लगे मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगा और तुम वहां से ठीक हो जाओगे। मैं उनके साथ गया, मैंने उनको बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, आप चलो आप ठीक हो जाओगे। और वो मुझे चर्च लेकर गए और मैं सच बता रहा हूं, मैं ऐसे करके धीरे धीरे चला करता था। और जब मैं चर्च से पहले दिन जब चर्च गया, चर्च से जब मैं बाहर निकला तो मेरे दोनों हाथ नीचे थे, मेरे हाथ सीधे हो चुके थे। और मैं बताऊं वो भैया जो मुझे चर्च लेकर गए थे वो मुझे 6 महीने तक नहीं मिले दोबारा। मैं चर्च जाता रहा, मेरे हाथ की उंगलियां खुलने लगी, 2 महीने में मेरा सारा कोढ़ चला गया, मेरा चेहरा बदल गया, मेरा शरीर पूरे सांप के केचुल के जैसा था वो ठीक हो गया, मेरी जिंदगी बदलने लगी, मेरी जिंदगी में उम्मीद दिखने लगी, आशा दिखने लगी, मेरी चंगाई दिखने लगी कि मैं ठीक हो रहा हूँ। और मैंने प्रभु के साथ अपने आप को प्रभु से अलग नहीं करा, मैं प्रभु में बना रहा। और 6 महीने के बाद वो भैया मुझे फिर से मिले और मैंने जाकर उनसे जय मसीह की करी।
और वो मुझसे पूछने लगे कि तुम कौन हो। तो मैंने बताया, भैया मैं गोगी हूँ, आप मुझे लेकर आए थे यहाँ पर और मैं ठीक हो गया हूँ। कहने लगे, सच में तुम ठीक हो गए हो? हमने कहा, हाँ भैया देखिए, अब मेरी उंगलियां सीधी हो गई हैं, अब मेरा चेहरा बदल गया है, आप भी मुझे नहीं पहचान पाए, और प्रभु ने मेरी बीमारी से मुझे पूरी शिफा दी। जब मैं प्रभु के पास आ गया तो मेरे घर के लोग मुझे मेरा विरोध करने लगे, मना करने लगे कि तुम वहां ना जाया करो। जब मैं बाइबल पढ़ता था तो कोई टीवी तेज खोल देता था, कोई गाना तेज से गाता था, लोग मना करते थे कि तुम वहां पर ना जाओ। मैं बाथरूम में बैठकर बाइबल पढ़ा करता था, मैं बाथरूम में बैठकर प्रार्थना करा करता था। पर होते करते एक जब दिसंबर आया तो क्रिसमस, जब हमारे चर्च में क्रिसमस ट्री बनाई गई तो हमारे भाई बहन कहने लगे, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ चर्च। तो मैंने कहा ठीक है चलो, और वो लोग मेरे साथ चर्च गए। दो दिन के बाद संडे था, मैं बताना मांगता हूँ, मुझसे पहले मेरे भाई बहन चर्च में थे उस संडे में। और वो दिन है और आज का दिन है कि मेरा पूरा परिवार प्रभु में है, प्रभु ने मेरे परिवार को संभाला है। वो जो कर्जा हो गया था, जो खाने के लाले लग गए थे, प्रभु ने सारी चीजों को बदल दिया है। आज हम लोग प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु हमारी मदद करता है, प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु ने मेरे कोढ़ को दूर करा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से मैंने बाइबिल में देखा कि 10 कोढ़ ही चंगे हुए थे, और एक मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी कोढ़ से छुड़ाया है। कोढ़ी ना तो आज से 2016 साल पहले ही सिर्फ कोढ़ी यीशु मसीह के द्वारा चंगे होते थे, पर आज भी खुदावंद का आत्मा अपने लोगों के बीच में काम करता है। और कोढ़ क्या, कोढ़ से बड़ी बड़ी बीमारियां, परमेश्वर बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने लोगों को छुड़ाता है। बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर आप प्रभु के पास विश्वास के साथ आएंगे तो मैं बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर आपको शिफा देने के लिए, आपकी समस्या से, आपकी बीमारी से, आपकी तकलीफ से, आपकी बदहाली से छुड़ाने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ मत्ती 8वें अध्याय में, मत्ती 9वें अध्याय में लिखा हुआ है कि एक सरदार यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, प्रभु मेरा सेवक बीमार है और यदि तू मुंह से कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उससे कह दिया, जा तेरा सेवक चंगा हो गया, और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया, क्योंकि उसका विश्वास ये था कि प्रभु यीशु मसीह मुंह से कह देंगे तो वो चंगा हो जाएगा। उसके बाद एक सरदार भी यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, प्रभु मेरी बिटिया मर गई है और यदि आप जाकर उस पर आप आकर उस पर हाथ रख देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। उसका विश्वास था कि अगर यीशु मसीह मुर्दे पर हाथ रख देगा तो वो चंगा हो जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने इसके साथ गए और यीशु मसीह ने उस लड़की के ऊपर हाथ रखा और वो लड़की जिंदा हो गई। एक स्त्री के विषय में लिखा, उसने ये विश्वास करा कि यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने जैसे ही उसके वस्त्र के छोर को छुआ वो चंगी हो गई। मैं बताना मांगता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और जैसा विश्वास लेकर आप आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वैसा काम करने के लिए तैयार है। उसने मेरे जीवन को बदला है, उसने दुनिया में तमाम जिंदगियों को छुड़ाया है, बहुतेरों को बदला है। और मैं बताना मांगता हूं, जब मैं उस हॉस्पिटल से बाहर आ गया, मैंने रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्हीं में से कई लोगों को जो वहां पर मुझसे मिले थे, जिन्होंने बताया हम इतने साल पहले आए थे, मैंने उनमें से कितनों को रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे उस कोढ़ की बीमारी से छुड़ाया है, ताकि मैं जाकर पृथ्वी के छोर तक उसके नाम का गवाह ठहरूं, उसके नाम की गवाही को दूं। और बहुतेरी जिंदगियां जो आज भी ऐसी बीमारी में, ऐसी समस्या में, ऐसी तकलीफ में फंसी हुई है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिसके पास कोई किरण नहीं है कि वो चीजें उसकी बदल सके, मैं बताना मांगता हूं, अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे विश्वास करके तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल देने के लिए तैयार है। क्योंकि वो जिंदा है, वो न सिर्फ आज से 2016 साल पहले काम करता था, पर वो आज भी अपने लोगों के लिए काम करता है। अगर आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ कर आपके जीवन में, आपके शोक को नृत्य में बदल सकता है, क्योंकि वो यीशु है और वो आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। सारी मैं तूने हाथ थामा मुझको छुड़ा लिया, अकेला था मैं, तू पास रहा।